भाई साहब हम लोग आ गए हैं मुरथल में, अमरीक सुखदेव। तो गाइस क्या लगता है, अभी रात के बज रहे हैं, टाइम देखें दो यार, देख ले तो मुझे भाई, रात सुबह के बज रहे हैं भाई, 2:30 बज रहे हैं। ये अमरीक सुखदेव क्या माहौल है यार यहाँ पे, और दो तीन बजे बंदे भी यहाँ पे घूम रहे हैं। ये देखो पूरी पार्किंग लगा रखी है यहाँ पे, और हम आए हैं यहाँ पे एलेक्स के साथ। तो यार इतना बढ़िया लग रहा है यहाँ का माहौल, ये देखो। तो वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एमएससी पटवारा, आपका स्वागत करता हूँ अपने नए ब्लॉग में। और आपको दिखाने के लिए मैं लाया हूँ अमरीक के ढाबे पे, जो कि मुरथल में बहुत फेमस है। देखो भाई ऐसे अपने भाई के साथ, और मजा आ रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे, और अंदर कर मजा ही मजा है। अब मैं ऊपर का हिसाब किताब दिखाऊंगा। जन्नत है कहीं तो है? वो कहता ना जय जन्नत है कहीं तो यही है। हैप्पी न्यू ईयर 2023 मस्ती, यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, अमरीक की ढाबा चुका अपन लोग साथ में, मोंटे अंदर गुज्जा भाई, बाहर हो रही है ठंड, अंदर जाएंगे लेंगे थोड़े समझे भाई, हमें खाना पाट और बाहर और ना चल लिखते हैं। तो गाइज ये है अमरीक सुखदेव की ढाबा, और बहुत बड़ा है यार यहाँ पे, पूरा मेरा हिसाब किताब लगा रखा, बहुत बढ़िया भीड़ भड़ा का तो है यार भाई, रात के मॉर्निंग के सुबह के 2:30 बज रहे हैं, और फिर अब सारे लोग यहाँ पे अभी भी भीड़ बना रखी है लोगों ने, और अपने चीते गए देखो गाइस, सिर्फ परांठे परांठे खाने के लिए यहाँ पे सब। वाह चले, हेलो गाइस, सारे लाल टोपी में क्यों हैं यहाँ पे तो ये बेस्ट सीन है बैठने के लिए, बेस्ट ये ब्लू में क्यों है, ये ड्रेस कोड चेंज किए है बता सकते हो, ये मेन्यू है, इस तरीके का मेन्यू होता है, और चाय की चुस्की हलवे के साथ, ये पराठा पराठे की लिस्ट, तो गाइज ये इस तरीके से है, इंडियन स्नैक्स है, साउथ इंडियन है, तंदूर स्नैक्स है, देसी ड्रिंक्स है, आइसक्रीम्स है, डिजर्ट्स है, इसमें बहुत सारी वैरायटीज हैं। तो गाइज आओ और यहाँ के माहौल को एंजॉय करो यार, बहुत ख़तरनाक है यहाँ पे, मतलब बहुत भीड़ हो रखी है, बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों की ड्रेस कोड कितने अच्छे हैं, देख रेड में है, कुछ ब्लू में है, और हम लोग आज प्लान बनाया था हमने कि चलो चलते हैं एक बार मुरथल दिख रहा था, तो आज हम की ओर आए हुए हैं, मज़ा आ रहा है भाई। अरे यहाँ पे थाली लगा दी है भाई ने, ये पराठे आ चुके हैं हमारे पास, आलू का पराठा ये रहा, वाह आलू प्याज का पराठा ये रहा, और उधर भी आलू प्याज का पराठा है, और ये भाई ने हमारे पहले प्यार से दिया है पराठा, और यहाँ पे इस तरीके से पराठा मिलता है, और ये क्या है, ये मक्खन है, मक्खन के साथ मिलता है, वाइट बटर है, मतलब मक्खन के साथ हमारे को ये पराठे मिलते हैं, और पराठे तो बिल्कुल यार नॉर्मली ऐसे लग रहे हैं कि तंदूर में बनाए हुए हैं, हैं बटर इतना होता है इसके ऊपर, बटर बटर ही दिख रहा है मुझे तो, पराठे के साथ बटर भी होता है भाई, यही तो मजा है इसका, तो ये एक पराठे की जो वैल्यू है कितने की है, 92
92 रुपीज़ का एक पराठा है, 92 रुपीज़ का एक पराठा है। ये देखो, ये सरकार तो अपना रगड़ के बैठ चुके हैं, अब बस हमारी कुल्लड़ वाली चाय आनी बाकी रहेगी। कुल्लड़ वाली चाय कहाँ है? हाँ तो कुल्लड़ वाली चाय लानी बाकी रहेगी और उसके बाद हम यहाँ पे स्वागत करते हैं इसका खाने पीने का। यहाँ निकलवागे यहाँ पे ना वैरायटीज दे रखी है अचार की। ये मीठा अचार है, ये गाजर का और मिक्स है, ये मीठा है ना, और ये तुम्हारे सिरकंद वाले प्याज है इसमें, ठीक है, सिरकंद वाले प्याज ये रहे, और मिर्ची भी है। ये मिर्चियाँ हैं देखो भाई, खड़ी मिर्चियाँ रख रखी है लौंडे ने, और यहाँ भी इसमें क्या था, ये भी सिरकंद वाले प्याज ही रखे थे, अलग से लिख रहा है। तो गाइस अब चलते हैं और खाते हैं थोड़ा, फिर मजे लेते हैं। अच्छा हाँ, तो वाइट बटर के साथ हम ये लोग खाएंगे और देखेंगे। मक्खन मतलब मक्खन है ये, इसे बटर बोलते हैं, वाइट बटर बोलते हैं, ये मक्खन है। और ये है मोटा सा पराठा, इसके अंदर सही चीज़ें भर रखी और सही है, अच्छा है खाने लायक। और सबसे बढ़िया चीज़ पता है यहाँ पे क्या है, स्पेस अच्छा है बैठने के लिए, सिटिंग एरिया अच्छा है, और लोगों को ना सिटिंग मिल भी रही है, तो लोग बड़े प्यार से खा रहे हैं, फैमिली के साथ आते हैं, दोस्तों के साथ आ रखे हैं, और कुछ ऐसे ही आ रखे हैं, तो फाइनली हमारी चाय स्पेशल चाय। वाह वाह, अलग तरीके से लग रही है, केसर 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 नहीं है, केसर है भाई। अरे नहीं केसर तो नहीं है, मैं कह रहा हूँ इसमें स्मेल अलग आ रही है, स्मेल भी अलग आ रही है, केसर है। इसकी होटल है, होटल होम इन यार, मतलब क्या मस्त बना रखा बंदों ने यार, क्या अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा प्लेस है यार, बहुत बड़ा प्लेस। लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रखे हैं, अब बज रहे हैं सुबह के 4:30 और हम अभी यहाँ पे पूरे उसमें घूम रहे हैं फुल मस्ती में, और बस ये देखो क्या मस्त माहौल है भाई लोगों यहाँ का। तो गाइस हम यहाँ पे आए हैं गरम धर्म पर, जो कि इसके नियर ही है, सुखदेव के ढाबे के नियर में गरम धर्म ढाबा। और मैम ने सोचा कि यार चलो, हमने जब सुखदेव जी का ढाबा देख ही लिया तो अभी ज़रा गरम धर्म का भी देखें, और फॉग बहुत ख़तरनाक हो रही है और ठंड भी हो ही रही है काफ़ी सारी। तो गाइस आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि हमने सुखदेव जी के यहाँ पे जो खाना खाया था, मतलब जो पराठे वगैरह खाए थे, टेस्ट सबका सेम ही होता है और पता नहीं चलता कि इसके अंदर है क्या। और दूसरी चीज़ ये है कि मक्खन बहुत डालते हैं, वो मक्खन बहुत सारा देते हैं, तो जिस वजह से उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो अब धर्म गर्म में आए और दिखाते हैं हम आपको यहाँ का हिसाब किताब माहौल वगैरह। और भाई बहुत ठंडा है यार, देखो गाइस धर्म गर्म, ये पीछे का माहौल, और आमिक सुखदेव बोला, और यहाँ पे अंदर का मैंने सुना है कि माहौल बहुत अच्छा है। तो ये धर्म गर्म मतलब एक धर्म जी है हमारे, धर्मेंद्र जी, उनके थे। और आपको दिखाता हूँ यहाँ का माहौल, ये देखो यार पूरी मूवीज़ के इनके वो लगा के पोस्टर, क्या बात है, कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। ये पूरा देखो यार, इनकी पूरी मूवीज़ के पोस्टर लग रहे हैं, वाह।
ये क्या मस्त लग रहा है भाई साहब, कितना बढ़िया लग रहा है। ट्रक है, पुराना ट्रक है यहाँ पे। ये धर्मेंद्र जी बुलेट पुरानी धर्म धर्म धर्म। वाह, मैं निकला गाड़ी लेके और ये है दोस्ती, हम नहीं छोड़ेंगे। गुड फूड, वाह यार कितना बढ़िया लग रहा है यार यहाँ पे भाई साहब। सीरियसली इन्होंने इतनी प्यारा बना रखा है यार यहाँ पे। देखो ऑटो वगैरह पे बैठ के खा सकते बंदे, ऑटो भी है इस तरीके से। देखो चेयर्स भी कितनी प्यारी लग रही है यार यहाँ पे, सच में यार बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार। ये अलग लेवल की दुनिया का बना रखा है हिसाब के। तो ये जीप है यहाँ पे, बहुत पुराना मॉडल, और मेरे ख्याल से लोगों ने इसके ऊपर भी बहुत सारी थोड़ी सी गंदगी है। ये देखो, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है जीप यार है। जरा दिखाते हैं। तो गाइज हम लोग हो गया हमारा ट्रैवल पूरा और हम लोग निकल रहे हैं अपने घर की ओर, और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और भाई बहुत बुरी हालत हो रखी है। तो हम निकल रहे हैं अपने घर की ओर, काफ़ी टाइम हो गया हमारा और पूरी रात हम लोगों ने ऐसी घूम के निकाली है। मज़ा आ गया और मज़ा आ गया लौंडे को और अपने को भी बहुत मज़ा आया। शुभरात्रि, मिलते हैं दोबारा हमारे YouTube चैनल पे। प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अच्छा लगे तो